हमें सूचना मिला कि हैदराबाद से एक लड़का यहाँ पे जो पढ़ता था, यहाँ पे एक्चुअली ही वॉज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ NIT, ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ IIIT, उसका निधन हो गया। सुबह से हम लोग ये देख रहे हैं कि टीवी पे कि स्टूडेंट का जो विक्षोभ है यहाँ पे बहुत ही मतलब जोर शोर से था, तो हमने जानने की कोशिश किया क्योंकि ये जो NIT है इज ए वेरी प्रेस्टिजियस सिस्टम इंस्टीट्यूट, कुछ फॉल्स अंडर माई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस। तो मेरा यह जिम्मेदारी है हम लोगों का कि आप यहाँ पे बात करें, उनसे क्या हुआ है। हमने सूचना लेने की कोशिश भी किया और यहाँ पे आके पता चला कि जो लड़का है वो पहले से बीमार था, ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट। यहाँ पे आके आने के बाद उसको जो कठिनाई हुई, प्रॉब्लम हुआ उसका फिजिकली, और ही वॉज एडमिटेड इन GB हॉस्पिटल एंड ऑल्सो आउटडोर पेशेंट, और उनके सहयोग से उनको GB में भी भेजा गया। लेकिन बाद में जब हैदराबाद उसको जाना पड़ा, जाने के बाद उसके निधन हो गया। बहुत ही दुखद बात है ये, लेकिन इसके लिए डेथ हुआ कारण क्या है, कमेटी के तरफ से, अथॉरिटी के तरफ से कमेटी भी बनाया गया है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए। और सुबह से हम लोग जो देख रहे थे कि जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे NIT के, ये लोग इकट्ठा हुए, यहाँ पे जमा हुए, विक्षोभ कर रहे थे, तो आपके पता चला यहाँ पे कि दे हैव सबमिटेड ए चार्टर ऑफ डिमांड बिफोर द अथॉरिटी फॉर इमीडिएट एक्शन, और इन्होंने भी ये माना, दे हैव ऑल्सो एग्रीड अपॉन, ये करना चाहिए। तो बाद में ही पता चलेगा कारण क्या है, क्या है क्या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन को अथॉरिटी ने एक कमेटी भी गठित किया होगा और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चलेगा, लेकिन जो हुआ, जो निधन हुआ, ये एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, क्या कारण से हुआ, किस कारण से हुआ, ये बात पता चलेगा। लेकिन इस रिपोर्ट बस अंडर ट्रीटमेंट, पहले से उनको कुछ कठिनाई, उसका शरीर का कुछ प्रॉब्लम था, जो ट्रीटमेंट देता है अंडर ट्रीटमेंट, तो ये शायद एग्रेवेट हुआ बाद में इसलिए उसका निधन हुआ। तो मैं ये जान के डायरेक्टर साहब से बात करके, रजिस्ट्रार साहब भी यहाँ पे है मिलने के लिए आए, आपकी बात भी हो, तब डिस्कशन वॉज वेरी पॉजिटिव एंड दे आर ऑल रेडी टू एक्सटेंड ऑल कोऑपरेशन और पॉजिटिव हेल्प टू द डिजीज्ड फैमिली ऑफ द डिजीज्ड। और आने वाले दिनों में इसका जो मान सम्मान है वो यहाँ पे बरकरार रहे, वही हमारे लिए हमें मानना है। और सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से अगर कोई जरूरत हो, डेफिनेटली एक्सटेंड और रेंडर ऑल पॉसिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस हाईली इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूट। सर, सम ऑफ द स्टूडेंट रेजिंग ए इश्यू दैट देयर इज अ नेग्लिजेंस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, व्हाट इज योर कॉन्टेक्ट? दैट इलेबोरेट डिस्कशन हुई है एंड इन दिस कनेक्शन द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड ए मेमोरेंडम ऑल्सो।